प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। अब आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल निर्देशक सेल RSP श्री अमरेंद्र प्रकाश का कहना है, हाल के दिनों में अपनी शानदार सफलता के साथ मुझे यकीन है कि RSP कर्मी समूह इसके लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। और RSP अधिकारी की सुपुत्री द्वारा CBSE 10वीं की परीक्षा में उत्कृष्टता प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। सेल प्रभारी सेल RSP श्री अमरेंदु प्रकाश ने संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र कर्मी समूह ने हाल के दिनों में शानदार सफलता दर्ज की है। अपने प्रदर्शन से उत्साहित होकर लक्ष्यों को संशोधित किया गया है और मुझे विश्वास है कि संयंत्र इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होगा। बैठक 2 अगस्त 2021 को अप्रोक्ष आभासी मोड में आयोजित की गई थी। कार्यपालक निदेशक संकरी श्री पंकज कुमार, कार्यपालक निदेशक खान श्री AK कुडू, कार्यपालक निदेशक संचालन श्री SK सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री AK प्रधान, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं विपणन प्रभारी श्री CR महापात्र और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। श्री प्रकाश ने श्री कुंडू को जुलाई 2021 के महीने में अब तक के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए बोलानी खानों और विभिन्न इकाइयों के विवादक्षों में उच्चतम उत्पादन दर्ज करने के लिए बधाई दी। प्रभारी निदेशक ने संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ व्यक्तिगत इकाइयों के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर चर्चा की और मुद्दों और अवसरों पर विचार मंथन भी किया। बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करते हुए DIC ने कहा कि ऑर्डर की स्थिति ठीक है और आने वाले दिनों में और अधिक सकारात्मक रुझान की उम्मीद है। श्री प्रकाश ने अपनी बातचीत समाप्त करते हुए कहा, अपनी कड़ी मेहनत और क्षमता से आपने साबित किया है कर दिया है कि कोई भी लक्ष्य आपके लिए कठिन नहीं है और आपके साथ बातचीत करते समय मैं आपके उच्च स्तर के आत्मविश्वास को देख सकता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि आप आने वाले दिनों में RSP को और गौरवान्वित करेंगे। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के SMS 2 के उप महाप्रबंधक श्री भवानी शंकर पाढ़ी एवं श्रीमती समिता पाढ़ी की सुपुत्री सिमरन पाढ़ी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल रौरकेला से CBSE माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा की परीक्षा में 500 में से 498 अंक प्राप्त किया है। प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्रा के नाते सिमरन ने कई अखिल भारतीय प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति परीक्षाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उसे इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस सिल्वर जोन 2020 में भी प्रथम रैंक मिला। उन्होंने SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड 2020 में उत्कृष्टता स्वर्ण पदक और SOF इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड 2020 में जोनल रैंक 24 के लिए उत्कृष्टता पदक हासिल किया। अंतरिक्ष और कविता में सिमरन की विशेष रुचि है। वो एस्ट्रोफिजिक्स में उच्च अध्ययन कर अपने जीवन में एक वैज्ञानिक बनने की इच्छा रखती हैं। उसकी कविताएं स्टेन्स और पीटी टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे कॉर्नर में प्रकाशित हुई हैं, जबकि दो अन्य कविताएं भी एंथोलॉजी की किताबें सिम्फनी ऑफ द सोल्स और स्मोकी इल्यूजन्स में प्रकाशित हुई हैं। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।